फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशलिंग के कभी ना खत्म होने वाले एरर के बारे में। अगर ये एरर आपके विशलिंग के साथ जुड़ गया, यानी आपके विशलिंग अकाउंट में आ गया, तो समझो कि आपके विशलिंग अकाउंट का, आपके विशलिंग का जो जर्नी है, समझो उसका द एंड हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि ये है अकाउंट रेस्ट्रिक्शन का एरर, और ये जो है ना ही विशलिंग में आया है और ना ही इंस्टाग्राम में आया है, ये हमारे फेसबुक आईडी में आया है। अब सवाल आप लोगों का होगा कि सर, इंस्टाग्राम से कनेक्ट होता है विशलिंग, विशलिंग से कनेक्ट होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक में आने से क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? गाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेसबुक पेज जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्टेड होता है, तभी जा करके ऑटो डीएम जाता है। गाइज, हमारा जो इंस्टाग्राम है वो फेसबुक पेज से कनेक्टेड था और फेसबुक पेज में ये रेस्ट्रिक्शन वाला एरर आ गया, और उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा R&D किया, और फाइनली फेसबुक पेज पे जो रेस्ट्रिक्शन वाला एरर आया था, फाइनली उसे मैंने सॉल्व कर लिया। 7 अप्रैल को फेसबुक पेज पे आया था, उसको मैंने शॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 अप्रैल 2024 को हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे आ गया। हमारे फेसबुक प्रोफाइल से ही हमारा फेसबुक पेज जुड़ा हुआ है, तो अब फेसबुक जुड़ा हुआ तो है, लेकिन जब हम फिर से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे कुछ स्टेप्स को वो फुलफिल करने के लिए बोल रहे हैं। जब हम फुलफिल वहां पे करने के लिए जा रहे हैं तो वो फुलफिल इसलिए नहीं हो रहा है, वो एरर वहां पे शो हो रहा है, क्योंकि वहां पे रेस्ट्रिक्शन वाला एरर आ चुका है अकाउंट में ही। अब जब अकाउंट में ही एरर आ गया है तो पेज पे कुछ भी वर्क करोगे वो नहीं होगा, और जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑटो डीएम्स, ऑटो लिंक लोगों को जाना बंद हो गया। 10,000, 20,000 डेली लोग कमेंट कर रहे हैं, लिंक मांग रहे हैं, और हम उसको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। क्या पॉसिबल है कि डेली 10,000, 20,000 लोगों को हम मैन्युअली लिंक सेंड कर पाएं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पहले ऑटो डीएम जाता था, ऑटो लिंक जाता था, तो हम डेली 3K, 4K और 5K तक अर्न कर ले रहे थे। हम रात में सोए हुए भी रहते थे तो हमारी अर्निंग स्टार्ट रहती थी, लेकिन अब हम मैन्युअली सेंड कर पाते हैं 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को, जिसकी वजह से अब जितने लोगों को आपने लिंक भेजा, क्या जरूरी है सारे परचेज करेंगे? नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से आज की डेट में 200 रुपये भी बहुत मुश्किल से बन रहा है। मैंने फेसबुक पेज टीम से भी बात किया, फेसबुक टीम से भी बात किया, मैंने विशलिंग टीम से भी बात की। विशलिंग टीम वाले हालांकि पहले तो सपोर्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में एक दो नंबर मिला जिसके थ्रू विशलिंग का मैं बहुत आभारी हूं। विशलिंग की टीम ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उनके थ्रू भी नहीं हो रहा है। उन्होंने जूम मीटिंग ली, उन्होंने गूगल मीट के थ्रू मीटिंग करके एक एक चीज समझा, वो देखा, उन्होंने खुद से भी घंटों बिताया और उसे शॉर्ट आउट करने की, फिक्स करने की कोशिश की, ये नहीं हुआ। और गाइज, अभी भी वो मेरे टच में है, वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं और वो भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन गाइज अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा है। और विशलिंग टीम भी बहुत मायूस है, क्योंकि वो कह रही है कि सर, पहला ऐसा केस आया है जिसमें ये शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, नहीं तो ये जनरली हो जाता था। अब गाइज, ये जब तक कि शॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक इसी टाइप से करना पड़ेगा, और विशलिंग टीम ने तो यहां तक कह दिया है कि सर, आप दूसरा अकाउंट बना लो और दूसरा अकाउंट बना करके उसको ग्रो करके आप वहां से कनेक्ट करो और अर्निंग करो। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि हो सकता है कि हमारा ये अकाउंट ठीक ना हो और हमारे विशलिंग का जो अर्निंग का सफर था यहीं तक रहे इस अकाउंट से। मैं न्यू अकाउंट हमने डेवलप कर लिया है सबब फाइंड्स के नाम से, प्लीज़ आप उस पर भी प्यार देना, आप उसको फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम चैनल है। मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है, मैंने आपको मेल भी किया है, मैंने सपोर्ट में भी कोशिश किया है, मैंने जो भी कोशिश मेरे साइड से हो सकता था मैंने वो किया है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सपोर्ट करिए, मेरी इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, और अगर विशलिंग टीम से कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरी सपोर्ट कीजिए, और अगर फेसबुक टीम से भी कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमारे अकाउंट पर जो रेस्ट्रिक्शन आया है प्लीज़ उसे रिमूव कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर से दबा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इंफॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट अपने इस चैनल पे मैं लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।